हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग इतने दिनों बाद लगातार मैं बना रहा हूँ। तो फिलहाल अभी सुबह का बज रहा है 7, उठ गए हैं, पापा गए हैं वॉक पे। तो वॉक पे जाने से पहले ही वो पानी गर्म में लगा दिए थे, तो मैं फटाफट से नहाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि आज क्या है हम लोगों के घर में। तो मैं पहले फ्रेश हो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, मैं तो तैयार हो चुका हूँ, नहा वहाँ के तैयार हो चुका हूँ, दुकान खोलने आया हूँ। दुकान खोलता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम लोगों के घर पे क्या है। तो दोस्तों, दुकान खोल चुका हूँ, सामान भी बाहर निकल चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोगों के घर में प्रोग्राम है। प्रोग्राम तो कुछ बड़ा नहीं, छोटा ही है। तो आज हमारा बाबू पूरे 6 महीने का हो चुका है। तो आज हम लोगों में एक रस्म होता है कि बच्चे को कुछ खिलाया जाता है, तो वही रस्म आज है। तो आज हम लोग वही रस्म पूरा करने वाले हैं। तो हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, पूजा करके घर में बाबू को लाएंगे और उसे कुछ खिलाया जाएगा। तो वो खिलाएंगे उनके मामा, तो मामा भी उनके आने वाले हैं। तो इति भी नहा धो के तैयार हो चुकी है और बाबू भी सो के उठ गया, तो अभी इसको नहलाएंगे। तो इसका नहलाने का तैयारी किया जा रहा है, तो फटाफट सबको आते हैं, फिर इसको अच्छे से नहलाया जाएगा। तो उसका भी तैयारी कर लेते हैं। बाबू को नहला रहे हैं, बाबू आज नहाएगा और दूध से। ऊपर से ढारो ना, ये तो लग रहा है कि शिवलिंग पे पानी ढाल रहा है। देख ना कैसे इधर ही देख रहा है। चल जा रहा है, एक आदमी पहले पकड़ के रखो। मनिया से इसको तैयार करो, अभी नया नया कपड़ा पहनेगा। बुआ के फुआ नहा दिलकै, अब तैयार होते बाबू हमर, छोना में तैयार होते, फटाफट तैयार हो जाओ। हुई 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 हुई।
दोस्तों, बाबू तैयार हो रहा है, गोलो इती लोग भी तैयार हो रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ दुकान में, पापा को भेज दिया हूँ नहाने के लिए, क्योंकि वो अभी मंदिर जाएंगे। तो फटाफट से ये लोग तैयार हो जाते, फिर हम लोग जाएंगे मंदिर के लिए। तो फिलहाल मैं बैठता हूँ दुकान पे। और हाँ, आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा फैमिली को 500 का फैमिली बना दिया है। मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, अभी लगभग 571 या कुछ है। तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना सपोर्ट देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए। मुझे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और फिर से थैंक यू सो मच 500 पूरा करने के लिए। तो सब कुछ तैयार हो चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए। तो बाबू का वहीं पे पूजा करेंगे और फिर वहाँ से घर पे आएंगे। तो हम निकलते हैं अभी मंदिर के लिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर और मंदिर में अभी जा रहे हैं, सब कोई आ गए। और ये है दुर्गा मंदिर, इससे पहले भी हम लोग आए थे इसी मंदिर में, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो सुमन का वेट करते हैं, सुमन भी आने वाली है। जब तक सुमन आती है तब तक हम लोग बाहर वेट करते हैं, फिर आएगी तो फिर हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं और मंदिर में अब पूजा करवाएंगे बाबू का। का पूजा खत्म हो चुका है, अब जा रहे हैं घर पे। घर पहुंच के फोन करना, तुम लोग जा रहे हो ना, जंटो टाटा। ये लोग जा रहे हैं अब घर पे, मैं भी निकलूंगा टुन्नू के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, बाबू भी सो गया है, बेचारा थक गया है पूजा कर करके। इसको सुला दो, इसको सुला दो। तो फिलहाल मैं दुकान पे आ चुका हूँ, पापा को घर भेज दिया हूँ और बाबू सोया हुआ है। इतनी लोग अपना खाना बना रही है तो मैं सोचा घर पे बैठ के करना क्या है, दुकान क्यों बंद रखूँ। तो दुकान आके खोल दिया हूँ, दुकान में बैठा हूँ, कस्टमर भी आ रहे हैं। तो 2-3 बजे तक दुकान पे बैठता हूँ, फिर शाम को देखते हैं, शाम को खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ पता नहीं। आज खाएगा मेरा सुना, आज खाना खाएगा। देखो तो सब बन रहे हैं सब। ये देखो बिट्टू के, बिट्टू आज तुम भी खाएगा ना, मजा से सब कोई। मामा के गोद में जाते ही रोने लगा, मत रो मत रो। दाना बच गया। हाँ बैठिए, वहाँ जाओ। हाँ तो खाली पैर आ रहा है ना तुम्हारा। तब बाबू खा रहा है आज, देखो किसे आगे बढ़ रहा है। अच्छा लगा उसको। मछली बहुत क्या दिया।
किना कर एक कालिया पहली बार लेकिन ऐसे किया ना हम लोग कभी कभी मुंह के सामने कुछ ले जाते हैं तो नहीं करता ऐसे ऐ जे छोनू सलादे खा रहे सब खाते रहिए हाँ तो नहीं इसी में खाइए ना खाइए इसी में खाइए आराम से खाइए ये भैया खिला रहा है बड़ा भैया तो दोस्तों रसम पूरा हो चुका है। चंदन भैया भी खाना वाना खा के वो भी निकल चुके हैं क्योंकि उनको माल बाजार जाना था तो अंधेरा भी हो गया है अभी तो वो फटाफट निकल भी गए और हम लोग भी खाना खा के मैं दुकान में आ गया हूँ। बाकी लोग घर में मस्ती कर रहे हैं तो मैं सोचा चलो दुकान खोल लेता हूँ, घर पर बैठ के करना भी क्या है। तो फिलहाल अभी दुकान में बैठा हुआ हूँ, कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर से बात भी कर रहा हूँ, सामान भी दे रहा हूँ। बज रहा है 9:30 तो रात भी हो गया, कस्टमर भी उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि आज संडे है। तो फिलहाल मैं दुकान बंद करता हूँ और मिलता हूँ आपसे घर में। क्या बन रहा है अभी? आलू का भुजिया और खीर और पूरी। और खीर पूरी के साथ आलू का भुजिया कौन खाता है? ठीक है फटाफट बनाओ। तुमको क्या लज्जा पा रहा है क्या आज? तो क्या पा रहा है? तो तुम लज्जा पाता खाना नहीं खाता आज? खाया था। चलो ठीक है। डांस हो रहा था किसी और का वीडियो कर रही है। ये कौन सा वीडियो होता है? तो तुम हो ही देखे काजल देखे तुम। तो इधर बाबू सो गया है, उठ गए लो ये तो जगा हुआ है नौता ने एकदम सजूगजू करके सो गया है। तुम लज्जा तो नहीं पा रहा है ना खाने में? अरे तुम लज्जा पा रहा है तो देखो देखो तुम्हारा चेहरा में दिख रहा है लज्जा पा रहा है तो इतना मुंह में काहे भर लिया है? कियो लाय छोना मना की कियो लाय चाची जरे खेले छो हो का जाओ था ऐ लज्जा मत पाना ठीक है, अच्छा से खाओ जल्दी से। इति तुम भी आके इधर ही खा लो। देखो गाइस इति अपने लिए खाना लेके आई है, कितना सारा खाती है इतना खाती है इसलिए तुम्हारी जीजा जी तुमको बेंग बुलाते हैं। तो क्या
तो इधर पापा भी खाने के लिए बैठ गए हैं और इधर बिट्टू लज्जा पापा के खाना खा रहा है और इति को देखिए खाने के लिए बैठी एक पीता है। और इसको देखो ई देखो आज क्या हुआ मम्मी कहा नहीं खाएगा लेकिन भैया ने कहा खाएगा बोल के सब मिलके मतलब भैया खाएगा बोल के और कोई नहीं खाएगा लेकिन भैया बोला ये बनो तो सब तरह 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 खा रहा है। अरे तुम भी तो नहीं खाने वाली थी नहीं खाने वाले थी एक गमला बैठ के खा रही है। देखो सुमन भी अपने लिए लेके जा रही है उधर देखो ये देखो बोल रही थी नहीं खाएगी नहीं खाएगी वो अपने लिए लेके जा रही है। तो गाइस सब कोई खाना खा के अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए और हम और बाबू भी जा रहे हैं सोने के लिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। टाटा कर दो सबको टाटा बाय बाय छियू।